वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री हर कृष्ण तिहाई, जिस जुठे सब दुख जाए। तो सबसे पहले आप सबको गुरु हर कृष्ण साहब जी के प्रकाश पूर्व की लाख लाख बधाइयाँ हों। तो सबसे पहले अंदर जाके दर्शन करेंगे, और ये जो स्थान गुरु हरकृष्ण साहब जी का ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ का जो इतिहास है उससे ही मैं आपको जानू कराऊंगा। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर आके आपको यहाँ का इतिहास बताता हूँ। गुरुद्वारा साहब के अंदर दर्शन कर कर आ गए हैं, माथा टेक कर आ गए हैं हम बाहर। तो ये पवित्र स्थान आठवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज से संबंधित है। सन 1664 में औरंगजेब बादशाह ने जब गुरु साहब को दिल्ली बुलाना चाहा, तो अमरपति मिर्जा राजा जय सिंह और दिल्ली की संगत की ओर से दर्शन देने का निवेदन करने पर गुरु साहब दिल्ली आए। इस स्थान पर मिर्जा राजा जय सिंह का बंगला था। रानी ने गुरु साहब की आत्मिक बल की परीक्षा लेने के लिए दासी का भेष बना लिया और दासियों में जाकर बैठ गए थे, पर अंतर्यामी गुरु साहब जी ने शीघ्र ही उसे जो वहाँ की रानी थी उनको पहचान कर ली उनकी, और उनकी गोदी में जा बैठे। उस समय गुरु साहब की आयु 8 वर्ष थी मात्र। उन दिनों शहर में हैजा और चेचक की महामारी फैली हुई थी, अनेकों व्यक्ति प्रतिदिन मृत्यु का शिकार हो रहे थे। जब दिल्ली निवासियों ने गुरु जी के पास अपना दुख पेश किया, तो गुरु साहब ने नाम स्मरण और कृपा दृष्टि करके एक चौबच्चे के जल में अपना चरण डालकर उसे आरोग्यदायक बना दिया। जो भी इस चौबच्चे से जल लेकर पीता है वह रोग मुक्त हो जाता है, और इस स्थान पे हर धर्म के लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं।